नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे हैं फॉर्ड लव ऑफ गैजेट्स। आज की डेट में जब आप फोन खरीदते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली चीज होती है उसका टेम्पर्ड ग्लास लेना, ताकि फोन गिरने पे स्क्रीन ना टूटे, और दूसरी चीज एक अच्छा सा बैक कवर लेना ताकि फोन की लुक्स एनहांस हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोन की बैक पे कोई स्क्रैच ना है। जी हाँ दोस्तों, खासकर अगर बैक पॉलीकार्बोनेट है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अच्छा सा एक कवर लीजिए। इन केस इट्स ग्लास बैक, कवर स्टिल रिकमेंडेड है, बट ग्लास बैग अगर अच्छी क्वालिटी का है, गोरिल्ला ग्लास 5 और 6, तो इतनी जल्दी नहीं टूटता, बट देन इट कैन ब्रेक। सो एनी विच वेज आप कवर जरूर लेंगे। आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि Realme 3 Pro के लिए मार्केट में कौन से कवर्स अवेलेबल हैं। हमने कुछ कवर्स खरीदे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, और एक सीक्रेट भी बताऊंगा इन कवर्स के अराउंड। हम स्पेसिफिकली करोल बाग गए ताकि आप लोग को बता सके कि एज ऑफ नाउ आप लोग को करोल बाग विजिट करना चाहिए या नहीं, जो कि हम आगे कवर करेंगे, और हमने कुछ हैंडपिक कवर्स लिए। इनफैक्ट जो अवेलेबल थे हमने ऑलमोस्ट सभी पिक कर लिए, ताकि आपको एक आइडिया दिखे कि कौन सा कवर आपको लेना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, ताकि हम आपको ऐसी वीडियोस ला के दें, और आप बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन फटाफट से मिले, और आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछेगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। लाइकवाइज आई सेड, माय सेल्फ इज हरजो, यू आर वॉचिंग फॉर लव गैजेट्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये कवर हमें साथ में मिलता है फोन के, आप देख सकते हैं कि इसमें चार्जिंग पोर्ट को कवरिंग दी गई है। सो ये कवर हमें साथ में मिलता है। एक टाइम बाद इन कवर्स में प्रॉब्लम आती है कि ये पीले पड़ जाते हैं, एंड यू हैव टू चेंज देम। सो इट्स बेटर कि अगर आपको टाइमली थोड़ा सा अच्छा कवर मिल जाए, विच इज़ मे बी ग्लास बैक वाला, या फिर मे बी पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक बेस्ड बट ब्लैक कलर में, जो कि पीला ना पड़े तो अच्छा लगता है। मैं एक बार फ्लैश ऑन करूँगा जस्ट टू सी कि फ्लैश के साथ लुक अच्छी आती है। वेल आई थिंक दिस इज़ बेटर। तो चलिए हमारे कवर्स ट्राई करते हैं। मैं फ़ोन को भी इधर रखता हूँ। हमारा अगला कवर जो रहेगा वो रहेगा बम्पर कवर। अगेन ये ट्रांसपेरेंट कवर होता है, सो ये आपको इस तरीके से मिलेगा, आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये हमने गफार मार्केट से खरीदा। आपको इसकी कॉस्टिंग 100 रुपये पड़ेगी, आप देख सकते हैं। तो फटाफट से इसे अनपैक करते हैं और एक बारी अप्लाई करके देखते हैं हमारे फ़ोन पे कि कैसी लुक आती है। ट्रांसपेरेंट कवर का एक फायदा होता है कि जो आपकी फ़ोन की लुक है वो बनी रहती है, खासकर ये पैटर्न आपको ग्लास बैक या जो कम्प्लीटली बैक कवर ब्लैक कलर के या मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे उसमें नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से फिट आ चुका है और बहुत आसानी से, जबकि जो OEM कवर है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है जब आप उसे फिट करेंगे, इट्स अ लिटिल टाइट, बट आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसानी से आया। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसी लुक आ रही है। सो ये आपको अगेन 100 रुपीज़ कॉस्ट करेगा अगर आप गफार मार्केट जाते हैं, लोकली भी खरीदेंगे। बट जैसे कि मैंने कहा कि अभी लोकली कवर्स आपको शायद मुश्किल मिले, क्योंकि अभी मार्केट में ही माल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कवर की तरफ, नेक्स्ट कवर ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट कवर है लिसहेन के नाम से। अगेन ये सब चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हैं हमने इसे टैन शेड में खरीदा। अगेन ये 200 का बताया जा रहा था और फाइनली हमें ये 100 का दिया गया। मैं फटाफट से इसे भी आपको फ़ोन पे लगा के दिखाता हूँ कि कैसी लुक आएगी। सो ये थोड़ा सा यू नो सोफिस्टिकेटेड लुक टाइप्स आपको रहेगा एज इन। और एक चीज़ और दोस्तों, जब भी आप कवर लगाएं, इनफैक्ट मैं अभी गलत लगा रहा था, आप डायगोनली शुरू करें। सो दिस इज़ द राइट वे, आप इसे ऐसे लेके जाएं और ये भी थोड़ा सा टाइट है और आप देख सकते हैं। सो ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लुक में था, तो हमने कहा यही कलर लिया जाए, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अनदर ब्लैक वन। तो आप देख सकते हैं कि फिटिंग ठीक है, और बम्पर कवर के मुकाबले आप एक चीज़ नोट करिएगा, इसके जो एजेस हैं वो इतने ज़्यादा सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि जो बम्पर कवर होता है उसमें आपको एक तरह से एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, अंदर एक लाइनिंग जा रही होती है, तो अगर फ़ोन गिरता है तो इट काइंड ऑफ बाउंसेस, तो आपके एजेस नहीं टूटेंगे और यहाँ से स्क्रीन भी नहीं टूटेगी। और एक चीज़ दोस्तों, इस कवर में आप देख सकते हैं कि कैमरा को प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ टैप करूँगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कवर ठीक है पर इतना अच्छा नहीं। जबकि मैं अगर इस कवर की बात करूँ तो इसमें बाहर की तरफ भी एक रिंग है हल्का सा, आप देख सकते हैं ये उभरा हुआ है, तो ये आपके कैमरा को भी सेफ रखेगा एज इन।
सरफेस पे कैमरा का ग्लास नहीं टच होगा, जबकि इसमें पूरे पूरे चांसेस हैं। सो ये हमारा अगला केस है फ्रेंड्स, फटाफट से इसे भी पुट ऑन करते हैं फोन पे। मैं इसे अलग रखूंगा और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में बताया कि एक सीक्रेट शेयर करूंगा, तो मैं अभी वो भी आप लोगों को बताता हूं। लेकिन उसमें एक छोटा सा कैच है। सो दोस्तों, वो सीक्रेट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें अगर ये कवर को, इसमें भी कैमरा होजिंग बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, एज इन कैमरा मॉड्यूल आपका बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। थोड़ा सा कवर उठा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ना मात्र। दाओ ये कवर बहुत लाइट है और आप देख सकते हैं पोर्ट्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं आपको, माइक, हेडफोन जैक, चार्जिंग पॉइंट, स्पीकर्स। लेकिन जो सीक्रेट वो ये है कि ये कवर है Vivo V11 Pro का, तो आपको जो यहाँ का माइक है उसकी अलाइनमेंट चेंज है। तो अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा सुराख कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी डील नहीं आज की डेट में, तो आप ये समझिए कि मार्केट में V11 Pro के कवर Realme 3 Pro पे आराम से यूज़ करे जा सकते हैं, बशर्ते आप उसे ट्राई करके लीजिए, ना कि ऑनलाइन मंगवा के फिर रिटर्न कीजिए। आई वुड सजेस्ट, ये मैंने ऑनलाइन मंगवा रखा था V11 Pro के लिए, तो मुझे लगा एक बार ये ट्राई करना चाहिए, एंड हेंस मुझे आई थिंक आई वॉज राइट। तो ये V11 Pro का कवर है, मैं आपको एक बार ये दिखा भी देता हूँ, कहीं आप लोग कहेंगे भाई आई एम फेक। सो ये देखिए V11 Pro का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा अगला कवर है जो कि कुछ इस तरीके के बॉक्स में आया था जकोबी के नाम से। ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो बनाती हैं, तो नॉट नेसेसरली आपको इसी कंपनी का खरीदना, बट अगेन वही चीज़ कि ये कवर भी Vivo V11 Pro का है जो कि मैं इस पे यूज़ करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं। सो फिर से इसे एक बारी पुट ऑन करते हैं। थोड़ा सा अलाइनमेंट आपको बनाना पड़ेगा और जैसे कि मैंने पहले फ़ोन में बताया कि ऊपर की हाउसिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, और आप ये देखिए अगर मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करूं, अब आप देख सकते हैं कि ये कवर बहुत सही से आ गया है, इस पर बिल्कुल ठीक से आया। मैं एक बार यहाँ से दिखाऊं कि जो हमारी सिल्वर बीडिंग है नियर बाय कैमरा मॉड्यूल, वो अच्छे से कवर हो गई है, और ये आपको फिर भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन देता है। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अगेन जैक्स जितने भी हैं स्पीकर अच्छे से आपको दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ इशू रहेगा यहाँ पे। तो अगर आप इस चीज़ से टैकल कर सकते हैं और यहाँ पे एक सुराख कर सकते हैं, देन आई थिंक इट्स अ वर्क अराउंड, बट आई मीन इट वुड बी योर कॉल एंटायरली। ये मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा क्योंकि ये कार्बन ग्रे से थोड़ा सा मैच करता है, कंट्रास्ट में है, और ये सबसे एक्सपेंसिव भी है, बट देन दिस इज नॉट द रीज़न कि ये मुझे अच्छा क्यों लगता है। तो एक बारी हम इसे पुट ऑन करेंगे फ़ोन पे और बहुत ही आराम से ये कवर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि लुक बहुत ही ऑसम आ रही है। देख सकते हैं, और ये टेक्सचर्ड है, अगर मैं थोड़ा सा इस पर टैप इन करूं, लैम्बोर्गिनी लिखा है, लैम्बोर्गिनी एज यू प्रोनाउंस इट, बट मुझे पर्सनली ये सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वन दाओ इसमें कैमरा प्रोटेक्शन ठीक ठाक सी है, बट मुझे ये टेक्सचर्ड लगा और ये कार्बन ग्रे के साथ बहुत अच्छा जा रहा था। और जैसे कि मैंने ये कहा कि ये सबसे महंगा कवर है, तो इसका रेट है जी हाँ 100 rupees। आई वॉज जस्ट किडिंग, बट ये सबसे बेहतरीन कवर है। सो इसको भी हम साइड में रख सकते हैं, और आप देख सकते हैं Vivo V11 Pro के भी कवर Realme 3 Pro पे आ सकते हैं, अदरवाइज ये हैं Realme 3 Pro के कवर्स। सो फ्रेंड्स, आई एम इन गफार मार्केट एंड मेरे साथ आज संजू हैं। सो हम बेसिकली Realme 3 Pro के कवर्स ले रहे हैं, और एट प्रेजेंट किसी भी शॉप पे कवर नहीं मिले, सिर्फ इनकी शॉप पे कवर मिले, और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो मैं एक बारी इनकी तरफ जूम करूँगा और ये कवर दिखा देंगे क्या है हमारे पास। संजू भैया, Realme 3 Pro के कवर्स जो दो चार ऑप्शन है, एक बारी आप दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने दिखाया Realme 3 Pro के कुछ कवर्स जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही अवेलेबल हैं। कुछ कवर्स ऐसे भी हैं जो कि V11 Pro के हैं जो कि फिट हो जाते हैं। हाउएवर, टॉप माइक की एडजस्टमेंट आपको देखनी पड़ेगी। हम रेकमेंड नहीं करेंगे, बट एक ये वर्क अराउंड है क्योंकि अभी Realme 3 Pro के कवर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जो गफार मार्केट में अवेलेबल हैं हमने आपको दिखाए। तो आप जाने से पहले एक बारी एक मन बना सकते हैं, क्योंकि इट्स अबाउट वेस्टिंग योर होल डे। आपकी 4-5 घंटे, इनफैक्ट ज़्यादा ही टाइम गफार मार्केट लगता है जब आप जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको कवर कौन सा पसंद आया और आप कौन सा लेना चाहेंगे। इसके अलावा कुछ कवर्स ऐसे हैं जो Amazon पे लिस्टेड तो हैं लेकिन आपको डिलीवरी जून या जुलाई में मिलेगी। ये कवर्स जनरली चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं सेलर्स द्वारा, और आपको डिलीवरी लेट इसलिए मिलती है क्योंकि उन कवर्स को आने में ही इंडिया में 40-45 दिन लग जाते हैं। सो बाय द टाइम दे गेट द कवर्स इट वुड बी ऑलरेडी जून या जुलाई मिड, तब तक आपको ये डिलीवरी हो जाएगी। तो प्री ऑर्डर स्टार्ट है। मैं कुछ पिक्चर्स अपलोड करूंगा तो आप उसमें भी देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो कवर्स लेने हैं या नहीं लेने। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए, कमेंट कीजिए कि आपको कवर्स कैसे लगे, आपको कौन सा कवर सबसे अच्छा लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। वंस अगेन, मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। जय हिंद एंड